आज तक राजकुमारी को इतने करीब से कभी नहीं देखा। तो दूसरा सैनिक कहता है, देखो तुम जो भी कर लो, लेकिन अगर ये जाग गई तो हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और तब वो कहता है, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और ये कहकर वो प्रिंसेस के एकदम करीब आकर उसको किस करने की कोशिश करता है। और तब वो अचानक उठ जाती है और अपने सर से जोर से उस सैनिक को मार देती है। उसके हाथों में हथकड़ी होती है तो ये सोचते हैं कि अरे वो कर क्या लेगी। फिर वो ऐसा करती है जो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, वो अपने अंगूठों को मोड़ लेती है और हाथों में से हथकड़ी निकाल देती है। फिर उन मुड़े हुए अंगूठों को फिर से ठीक कर देती है और उसके बाद वो उस हथकड़ी से ही उन दोनों की बैंड बजा देती है। और तब वो सैनिक उसको धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके हाथों से हथकड़ी को छीनने लगता है। तब प्रिंसेस उसी बहाने से उसे खींचकर नीचे गिरा देती है। और इस तरह आगे के हर एक एक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा दोस्तों। और फिर ऐसे ही चलते एक समय पर वो अपनी हेयर पिन निकालती है और एक सैनिक की गर्दन में नोचने लग जाती है। उस हेयर पिन से नोच नोच कर अंत में वो उसके सर को एक खंभे पर पटक देती है और वो भी वहीं मर जाता है। अब ये देखकर दूसरा सैनिक बड़े गुस्से में आता है और कहता है, मैं तुमको छोड़ने वाला नहीं। फिर उन दोनों के बीच फिर से एक जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। प्रिंसेस उसको खूब मारती है और उसी समय वो भी जरा मार खाती है। फिर एक समय आने पर वो उसको मारकर खिड़की से बाहर गिरा देती है और वो पानी में गिरकर मर जाता है। और जब तक वो थककर बैठती है तब तक वहाँ पर किसी के और आने की आवाज आती है और तब वो एक बड़ा हथौड़ा लेकर उस सैनिक के सीने पर जोर से मार देती है। फिर उसे कई बार मार मार कर मार डालती है। और ये लड़ाई वो अपनी शादी के जोड़े पहनकर ही कर रही होती है। बताओ कितनी खतरनाक है ये तो एक शेरनी निकली। फिर वो अपने हाथों से हथकड़ी को निकाल देती है और मरे हुए सैनिकों को उठाकर बेड पर रख देती है और उस कमरे को ऐसा बना देती है जैसे कि वहाँ पर कोई घटना घटी ना हो। फिर उस सैनिक के हाथ से कमरे की चाबी लेकर वो दरवाजे को बाहर से लॉक कर देती है और चाबी को अपने पास वाले एक बड़े ड्रम में डालकर वहाँ से निकल जाती है। और उसकी ड्रेस भी उसको बहुत ही परेशान कर रही होती है। अरे शादी का जोड़ा पहनकर बेचारी क्या क्या करती। चुपके से वो यहाँ वहाँ भागने लगती है। फिर वो एक खिड़की से नीचे देखती है कि राजकुमार के आदमियों ने उस किंगडम पर कब्जा करके उसके परिवार को भी बंदी बना रखा है। वे उसकी माँ और पापा और बहन के हाथों पर हथकड़ियाँ लगाकर उन्हें बीच रास्ते पर बैठा देते हैं। फिर दिखाते हैं विलन राजकुमार को जिसका नाम जूलियस है और उसके साथ में जो चाबू के साथ खड़ी है वो है मोइरा जो जूलियस की महिला सैनिक है। अब जूलियस प्रिंसेस के पापा यानी राजा से कहता है कि तुम्हारी दो बेटियां हैं और तुम्हें इस देश पर राज करने के लिए कोई बेटा ही नहीं है और इस वजह से मैंने तुम्हारी बड़ी बेटी से शादी करके इस देश के सिंहासन पर अपना हक जमाने का फैसला कर लिया है और इसके लिए तुम भी राजी हो गए थे। फिर शादी करने के लिए यहाँ आने पर तुम्हारी बेटी ने मना कर दिया और अब उसकी गलती की सजा तुम भुगतोगे। मैं तो यही चाहता था कि आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी शादी हो जाए लेकिन तुम्हारी बेटी ने हद कर दी और मना कर दिया तो अब मुझे उससे जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है और तुम सबको जेल में भेजकर सबके हाथों में हथकड़ी लगाकर मैं तुम्हारी बेटी से शादी करते रहूंगा, तुम लोग जो चाहे कर लो। फिर वो आदेश देता है कि सभी को ले जाकर जेल में बंद कर दो। और तब असल में क्या हुआ था इसका फ्लैशबैक दिखाते हैं। प्रिंसेस को इस शादी के लिए किसी तरह से राजी करवाकर उसे दुल्हन बनाकर ले आते हैं। फिर जूलियस कहता है, मुझे ये शादी मंजूर है और मैं इस देश का शासन करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। फिर जब प्रिंसेस से ये सवाल किया जाता है तब वो कहती है, मुझे ये शादी नहीं करनी है और वहाँ से चली जाती है। इससे गुस्से में आकर जूलियस अपनी सेना के साथ उस पूरे किंगडम पर कब्जा कर लेता है और प्रिंसेस के परिवार उसके देशवासियों को बंदी बना लेता है। और यहाँ हर जगह जूलियस के सैनिक की पहरा कर रहे हैं। वे लोग इस देश के कई लोगों को मार भी चुके होते हैं। फिर एक समय पर एक इंसान आता है जिसने हेलमेट पहन रखा होता है और उसका शरीर एक राक्षस के शरीर जैसा दिखता है और उसके साथ कौन लड़ाई करेगा सोचकर वो छिपने के लिए पानी में जाकर लेट जाती है। फिर वो इंसान भी चला जाता है और प्रिंसेस पानी से बाहर आती है। फिर वो उस ड्रेस में से एक्स्ट्रा कपड़ों को फाड़ देती है ताकि उसको थोड़ा रिलैक्स फील हो। फिर वो धीरे से चलकर आने लगती है। अब यहाँ कोई नहीं है ये सोचकर चलते ही वहाँ वो हेलमेट पहना हुआ इंसान आकर खड़ा होता है। वो अपने एक हाथ से उसको उठा लेता है और पूछता है, तुम बिस्तर पर होने के बजाय यहाँ वहाँ क्यों घूम रही हो। और तब वो जोर से उसके सर पर मारती है और नीचे गिरती है। फिर दोनों के बीच काफी लड़ाई भी होने लगती है। अब ये इंसान एक बड़ी चट्टान की तरह है और उसके सामने प्रिंसेस एक चींटी जैसी, लेकिन वो उसको जबरदस्त टक्कर देती है और उसकी तलवार से बच भी जाती है। और फिर वो इंसान उसकी गर्दन को पकड़कर दीवार के पास जाकर मारने की कोशिश करता है। तब प्रिंसेस उसके हेलमेट को पकड़कर खींचते हुए उसको नीचे गिरा देती है और फिर वो दीवार पर चढ़कर सीधे उसके कंधे पर बैठ जाती है और उसके हेलमेट को घुमाती है। अब इससे वो सैनिक देख नहीं पाता और तब उसको यहाँ वहाँ घुमाकर भगाती है। फिर एक समय आने पर वो उसके हेलमेट को निकाल देती है और उसी हेलमेट से उसके पेट पर मार देती है और कहता है, तुम जाकर प्रिंसेस के कमरे में चेक करो कि वहाँ वो सुरक्षित है या नहीं। और अब वो बड़ी मेहनत से ऊपर चढ़ते हुए जाता है। अब क्योंकि प्रिंसेस बचपन से उस महल में पली बड़ी है इसलिए वो वहाँ के रास्तों को बड़ी अच्छी तरह से जानती है। अब उन सैनिकों को मारने वाले इंसान को खोजने के लिए सभी सैनिक यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं और तब प्रिंसेस उनकी नजरों में आकर छुपके से किसी खुफिया रास्ते से किसी कमरे में आती है। फिर देखती है कि वो सैनिक उसके कमरे में से
कीमती चीजों को चुरा रहे होते हैं और फिर वो उनके बीच में से किसी के देखने से पहले ही जल्दी से भागती हुई जाती है और दूसरे खुफिया रास्ते से निकल जाती है। ये दिखने में तो एक दीवार की तरह होती है लेकिन असल में वो एक सीक्रेट रास्ता होता है और फिर वो उस रास्ते से बाहर निकलती है और अपने कमरे में आ जाती है और वो अंदर आकर अपने बेड के नीचे रखी हुई अपनी फेवरेट तलवार निकालती है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें प्रिंसेस लिन के साथ बढ़िया तरीके से लड़ाई कर रही होती है और प्रिंसेस के साथ लड़ाई के लिए एक और इंसान आया होता है जिसका नाम काई है और ये लिन का ही गुरु है जिसने लिन को लड़ाई सिखाई होती है। वो यहाँ ये चेक करने के लिए आया होता है कि अब लिन लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं और प्रिंसेस भी दोनों के साथ बढ़िया लड़ाई कर रही होती है और सबसे बड़ी वीरांगना होने का नाम कमा लेती है। इसके तोहफे के तौर पर काई उसको एक तलवार देता है और यही वो तलवार है। यहाँ राजा के कमरे में जूलियस और मोइरा के बीच रोमांस चल रहा होता है। कमरे के बाहर प्रिंसेस अपनी तलवार के साथ जूलियस को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है और जूलियस के पास आते ही वो तलवार से उसके पेट पर मारने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं खड़ा होता है और तलवार उसको नहीं लगती। फिर अगली बार वो उसके सर पर एम करते हुए मारने की कोशिश करती है लेकिन इस बार भी वो चूक जाती है और तब एक सैनिक आकर जूलियस से कहता है कि राजा उससे मिलना चाहते हैं। यहाँ ये मोटू सैनिक ऊपर वाले कमरे के पास पहुँच जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो तो बाहर से लॉक्ड है। अब इसकी चाबी के लिए कहाँ जाना होगा। देखिए ऊपर तक पहुँचते ये कितना हाँफने लगा है। अब ये चाबी कहाँ ढूंढेगा। इसीलिए वो चाबी के छेद से अंदर देखता है। तब वो एक सैनिक को अंदर चेयर पर बैठे हुए देखता है। फिर वो सोचता है हमारी राजकुमारी बेड पर ही लेटी होगी, इसका मतलब वो यहाँ पर सुरक्षित है। फिर यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ये गलत खबर देने के लिए वो नीचे उतर जाता है। अब नीचे पहुँचने के लिए तो इसको काफी समय लग जाएगा, तब तक मैं आपको कुछ और बताता हूँ। यहाँ प्रिंसेस किसी तरह से उस सीक्रेट रास्ते से बाहर आ जाती है। तब वहाँ वो एक पुतले को देखती है और उसके नीचे से रेंगते हुए आती है लेकिन फिर उसको पता चलता है कि वो पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा सैनिक है जो रात में पहरा करता है। मैं फिर से फंस गई, ये सोचकर उसके साथ ही लड़ाई करनी शुरू कर देती है और वो सैनिक भी उस पर जरा भी तरस नहीं खाता और तलवार से उसको मारने की कोशिश करता है। यहाँ राजा ने जूलियस को बुलाया होता है ये कहने के लिए कि हमें इस मामले में युद्ध नहीं करना चाहिए बल्कि हम आपस में बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तब जूलियस कहता है कि अब बात करने के लिए रखा ही क्या है, अगर तुम्हारी बेटी शादी के लिए मान जाती है तो तुम्हें ये सब झेलना नहीं पड़ता, अब तुम्हारी बेटी की गलती की सजा भुगत लो। और ये कहकर वो अपने सैनिक से राजा को जेल में ले जाने के लिए कहता है और फिर वो महल के अंदर चला जाता है। यहाँ प्रिंसेस उस कवच पहने वाले सैनिकों को कैसे मारा जाए ये सोचते हुए काफी कोशिश करती है और उसके कवच में दिखने वाले गैप में अपनी तलवार घुसा देती है। फिर पास में रखे हुए तेल के बर्तन को लेकर वो उस कवच पर फेंकती है और फिर उस पर एक मोमबत्ती फेंक देती है, इससे वो सैनिक जलने लगता है और बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। और उसी समय ये मोटो साहब नीचे पहुंच ही जाते हैं और खबर देते हैं कि ऊपर राजकुमारी तो सो रही है और दरवाजा भी लॉक्ड है, वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है। और उसी समय वो सैनिक अपने कवच के साथ जलकर जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर जूलियस का गुस्सा तो बिल्कुल सातवें आसमान में पहुंच जाता है। फिर वो सेनापति से कहता है कि यहाँ कब से कोई बहुत ही बड़ी शैतानी कर रहा है, तुम उसको ढूंढ कर यहाँ लाओ और मैं उसको बड़ी सजा देने वाला हूँ। और तब सेनापति चिल्लाकर सैनिकों को आदेश देता है कि सभी लोग जाकर तुरंत उस इंसान को ढूंढ लो। अब सेनापति की तो मोरे के साथ बनती नहीं, फिर भी वो उसको कुछ गलती से कह देता है और बदले में मोइरा चाबुक से उसका गला घोंटकर वहीं मार डालती है। फिर वो कहती है कि अब से मैं ही आप लोगों की सेनापति हूँ, हमारे साथ ऐसी शैतानी कौन कर रहा है इसका पता लगाकर तुरंत उसकी खबर लाओ। और ये सुनते ही सभी सैनिक वहाँ से भाग निकलते हैं। अब सारे सैनिक उस इंसान को ढूंढने जाते हैं और उनमें से कोई प्रिंसेस को देख लेता है और फिर प्रिंसेस भी उनके साथ लड़ाई करके एक एक सैनिक को मार गिराती है। पहले तो वो उसको छोटी लड़की समझकर मजे से लड़ाई करना शुरू करते हैं लेकिन वे जब उसको देखते हैं कि ये तो सैनिकों को खतरनाक तरीके से मार रही है तब वो सीरियस होकर लड़ने लगते हैं। अब ऊपर की मंजिल से लड़ाई करते करते वो नीचे आने लगती है और वो 4-5 सैनिकों को तो खत्म कर चुकी है लेकिन अब उससे लड़ने के लिए और भी सैनिक आते रहते हैं और तब वो बड़ी चालाकी से अपने गले में पहने हुए हार को तोड़कर उसके मोतियों को सीढ़ियों पर गिरा देती है और उसकी तरफ आने वाले सैनिक उन मोतियों में फिसलकर नीचे गिर रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से भागकर आगे बढ़ती है और तब कुछ सैनिक रस्सी को पकड़कर उसकी तरफ आने लगते हैं और उन सैनिकों की मौत भी उस रस्सी से ही हो जाती है क्योंकि उस रस्सी को वो बाहर डाल देती है। और फिर बाकी सैनिकों के साथ भी वो ऐसे लड़ती है जैसे लड़ाई करना उसके बाएं हाथ का खेल हो। ये तो सच में एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका निकला। फिर एक इंसान एक बड़े हथौड़े से उसको मारने लगता है और उसके साथ और दो लोग आते हैं लेकिन ये उनको टक्कर देते हुए उन्हें तलवार से मार गिराती है। फिर वो उस हथौड़े वाले सैनिक के पेट में तलवार घुसा देती है लेकिन वो भी बिना हार माने उसका गला घोंटते रहता है। तब वो उसकी तलवार को उस सैनिक की गर्दन में घुसाती है जिससे उसका सर बाहर निकलता है। फिर अब और सैनिक उसके पास आते हैं और तब वो एक और तलवार लेकर दोनों तलवारों के साथ उनसे लड़ने लगती है, इसीलिए अब सैनिक उसके पास आने से भी डरने लगते हैं। फिर एक या दो लोग ही उससे आकर लड़ते हैं और वे उन्हें तलवार से मार गिराती है।
लेकिन अचानक से एक सैनिक उसके पेट को चीर देता है, लेकिन वो दर्द में भी लड़ती रहती है और अब धीरे धीरे वो थकने लग जाती है क्योंकि अब तक वो काफी लोगों को मार चुकी है। और तभी वो एक सैनिक को पकड़कर उस ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगाती है और नीचे गिरने से वो सैनिक तो मर जाता है लेकिन प्रिंसेस सुरक्षित रहती है। फिर ऊपर से दूसरा सैनिक भी जमीन पर कूदता है लेकिन नीचे गिरते ही उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और प्रिंसेस उसको देखकर बड़ी अच्छे से हंसने लगती है और सोचती है क्या इसका दिमाग खराब है। फिर वो तलवार लेकर फिर कुछ सैनिकों को मार गिराती है और उसी समय वो मोटू सैनिक उसके सामने आता है। वो हाँफते हुए झुककर चल रहा होता है और अपना सर नीचे रखने से सामने से आने वाले प्रिंसेस को देख नहीं पाता। फिर वहाँ सैनिकों का आना कम नहीं होता और तब वो खिड़की से बाहर किसी कपड़े को लटकते हुए देखती है और वो तुरंत जाकर उस कपड़े को पकड़कर खिड़की से बाहर छिपकर बैठी रहती है। फिर उसी कपड़े को पकड़कर उस दीवार पर से चलते हुए वो दूसरे कमरे के अंदर कूद जाती है और उसके पेट पर जख्म होने से बहुत ही खून बह रहा होता है, इसलिए वो एक कपड़े से पेट को कसकर बांध देती है और हाथ पर भी एक कपड़ा लपेट लेती है। फिर वो कुछ याद करती है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसके माँ और पापा उसे काफी बार समझा रहे होते हैं। राजा उसे कहता है कि तुम्हें इस शादी के लिए राजी हो जाना चाहिए, मेरा बेटा नहीं है और मेरे बाद इस देश को चलाने के लिए एक पुरुष की जरूरत है, इसलिए तुमसे शादी करने वाला ही इस देश को चला सकता है और हमारे किस्मत में यही लिखा है, इसलिए तुम इस शादी के लिए मान जाओ क्योंकि बिना राजा वाले देश को कोई नहीं छोड़ेगा और कोई कभी भी इस पर कब्जा कर लेगा, इसलिए तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। और इस तरह उसको धमका कर कहता है और ये भी कहता है कि एक महिला देश को नहीं चला सकती और तुमसे ये सब नहीं होगा। अब ये सभी बातें याद करके वो बड़ी उदास होती है। उसी समय आकर कोई उस पर झपड़ता है और वो जूलियस का कोई सैनिक का सोचकर प्रिंसेस उसे मारने लगती है। फिर देखती है कि वो उसकी गुरुलिन है। वो उसे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है और प्रिंसेस कहती है मैं लड़ाई करके जूलियस के सैनिकों को मार गिरा रही हूँ। और फिर लिन उसको लेकर सीक्रेट कमरे में जाती है और दोनों वहीं छिपकर बैठते हैं। तब प्रिंसेस उससे पूछती है कि हुआ क्या था और लिन उसको कहती है कि जब तुम शादी के लिए मना करके वहाँ से चली गई थी तब जूलियस और उसके साथी भी कुछ बोले बिना वहाँ से चले गए, लेकिन फिर वो एक दिन अपनी बड़ी सेना लेकर यहाँ वापस आए और बिना किसी को खबर किए इस देश को अटैक करने लग गए और उन्होंने रातों रात इस देश पर कब्जा कर लिया है। और इन सभी बातों को समझाती है। फिर भी वहाँ से किसी सेफ जगह पर जाने से निकलते हैं और तब वहाँ किचन में जूलियस के सैनिक किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। तब दोनों अपनी तलवारों से उन सारे सैनिकों को मार गिराकर उस लड़की को बचा लेते हैं। फिर किचन में भी जबरदस्त लड़ाई होने लगती है और कुछ समय बाद वहाँ मोयरा आ जाती है और वो ये जान जाती है कि इतने समय से प्रिंसेस ही उन सबको मार गिरा रही थी। फिर वो उसे एक सबक सिखाने के लिए अपने चाबुक से उसको अटैक कर दिए और वो दोनों उस चाबुक का सामना नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि अब मोयरा के साथ लड़ने से उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए वे उससे बचकर भागकर नीचे की तरफ आते हैं। और फिर लिन उसको कहती है कि वहाँ से एक नाले में से चलकर तुम सीक्रेट रास्ते से दूसरी तरफ चले जाओ। और फिर लिन अकेले ही मोयरा के साथ लड़ने आती है और अब प्रिंसेस उस नाले को पार करके एक जगह पर पहुंच जाती है और वो अपने माँ पापा को रखी गई जेल की तरफ जाने लगती है। उसको बहुत ही प्यास लगी होती है। फिर जेल के पास आने पर जेल के बाहर कुछ जेलर्स बैठे होते हैं। वो उनके पास रखे हुए बियर के ग्लास को लेकर तेजी से पीने लगती है और उन जेलर्स को कुछ समझ ही नहीं आता कि ये चल क्या रहा है और वो पूरे ग्लास को खत्म करके जोर से डकार भी मार देती है और ये देखकर वे लोग हंसने लगते हैं। फिर वो एक तूफान की तरह उन सभी से लड़ने लगती है और उन सभी को मार भी देती है। अब राजा बड़े ही चौंकर देखते रह जाता है और सोचता है कि क्या ये मेरी बेटी है ना। फिर वो जेल का दरवाजा खोलकर माँ पापा और वॉयलेट को बाहर लेके आती है और सभी ठीक ठाक से चल रहा होता है कि अचानक वहाँ एक सैनिक आकर प्रिंसेस के सर पर जोर से मार देता है और इससे प्रिंसेस बेहोश जाती है। फिर जब वो आंखें खोलकर देखती है तो उसके हाथों में हथकड़ी होती है और उसको महल के सामने घुटनों के बल बैठा दिया गया होता है। फिर जूलियस कहता है अब प्रिंसेस मेरे जाल में फंस गई है और ये सोचकर उसको टच करता है। तभी प्रिंसेस झट से उसकी उंगली को ही काट देती है और अब जूलियस सोचता है कि ये तो सच में एक राक्षसी है और अगर मैं इससे शादी कर लेता तो मेरा तो जीना हराम ही हो जाता। तब प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम सही सोच रहे हो क्योंकि शादी करने के बाद मैं तुम्हें किसी दिन जान से मारने के लिए तुम्हारे खाने में जहर मिला सकती हूँ या फिर तुम्हारे सोने के समय पर तलवार से तुम्हारा सर भी काट सकती हूँ या फिर एक बड़े पत्थर को भी तुम्हारे सर पर पटक कर मार सकती हूँ। और इस तरह वो उससे जबरदस्ती शादी करने पर कौन कौन से तरीकों से उसको जान से मार सकती है ये सभी बता रही होती है। और तब जूलियस फैसला करता है कि वो प्रिंसेस से शादी कभी नहीं करेगा, लेकिन वो उनको छोड़ता नहीं बल्कि अब वो ये फैसला लेता है कि वो उसकी छोटी बहन वॉयलेट के साथ शादी करेगा। अब वॉयलेट तो एक छोटी बच्ची है और ये शैतान उससे शादी करने की बात करता है। फिर प्रिंसेस इसका विरोध करते हुए उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है और लड़ाई होते समय लिन आकर छुपके से वॉयलेट को उठाकर एक सीक्रेट रास्ते से किसी और जगह लेके जाती है और वॉयलेट को बचाने के लिए ही प्रिंसेस उसके साथ लड़ने लगती है। तब एक सैनिक प्रिंसेस को उठाकर तेजी से खिड़की के बाहर फेंक देता है और उसके हाथ और पैर बंधे हुए होते हैं और वो सीधे पानी के अंदर जाने लगती है। फिर उसे सभी बातें याद आती है और वो झट से आंखें खोलती है।
फिर वो पीछे बंधे हुए हाथों को आगे लेकर आती है और पानी के अंदर गिरे हुए शीशे के टुकड़ों का यूज करके वो रस्सी को खोल देती है और सांस फूलने से पहले ही जल्दी बाहर आ जाती है। यहाँ जूलियस और वायलेट की शादी की तैयारियां चल रही हैं और लिन ने प्रिंसेस से एक सीक्रेट जगह पर मिलने को कहा होता है और अब प्रिंसेस उस जगह पर ही जा रही होती है। तब रास्ते में फिर से एक राक्षसी सैनिक खड़ा होता है और अब फिर इस इंसान के साथ लड़ाई करनी होगी। ये सोचते ही वायलेट उसके पास वाले बड़े पुतले को सैनिक के ऊपर गिरा देती है और वहीं मर जाता है। और वायलेट को देखकर प्रिंसेस बहुत ही खुश हो जाती है और अब आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग वो लोग करते हैं। और फिर एक दूसरे सीक्रेट रास्ते से वो तीनों हथियारों के कमरे में जाते हैं। अब इस कमरे के बारे में सिर्फ राजा के परिवार वालों को ही पता रहता है। फिर वे वहाँ से जरूरी हथियार ले लेते हैं और अपने कपड़े भी बदल लेते हैं और वॉलेट भी उनके साथ लड़ने जाने की बातें करके मजाक करती है। तब प्रिंसेस उसे समझाते हुए कहती है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर ठहरो, अगर तुम बाहर निकलोगे तो जूलियस तुमसे शादी कर लेगा और तुमको बहुत ही परेशान करेगा, इसलिए तुम यहीं रुको और बाहर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम गलती से भी बाहर मत निकलना। और उसको ऐसे समझाकर वे दोनों बाहर निकलते हैं। यहाँ इस टाउन के चर्च में इनकी शादी की तैयारियां की गई होती है। प्रिंसेस के घर वालों के हाथों को बांधकर उन्हें भी वहां लाए होते हैं और जूलियस आकर उनके सामने खड़ा होता है और वॉलेट के आने का इंतजार कर रहा होता है। वो उनसे कहता है कि मेरे सैनिक जल्दी वॉलेट को ढूंढ कर लेके आएंगे और मैं उससे शादी करूंगा। लेकिन तब तक प्रिंसेस युद्ध के लिए आ गई होती है और जूलियस के सैनिकों के साथ बढ़िया लड़ाई कर रही होती है। अब उसको देखकर जूलियस कहता है, अब तक हमारे 100 से ज्यादा सैनिकों को ये मार चुकी है, इसकी मौत कब होगी? और तब मोइरा कहती है कि मैं हूँ ना, देखना इसकी मौत मेरे चाबुक से ही होगी। और ये कहकर वो अपना चाबुक लेकर प्रिंसेस के पास जाती है। अब तक छिपकर लड़ने वाली प्रिंसेस अब मैदान पर आकर सभी के सामने लड़ने लगती है और दूसरी तरफ लिन अपने धनुष बाण से सभी सैनिकों को मार रही होती है। लेकिन फिर झुंड में सैनिकों का आना चलता रहता है और इसलिए वो दो तलवारों को जोड़कर एक खंभे जैसा बनाकर बढ़िया तरीके से लड़ती है। अब यहाँ लड़ाई चल रही होती है तो वहाँ वायलेट प्रिंसेस के समझाने के बावजूद उस रास्ते से बाहर आ जाती है और वो एक चाकू को भी साथ लेके जाती है। फिर वो जाकर लिन के गुरु काए के हाथों की रस्सी खोल देती है और अब आगे काए को बाकी सभी के हाथों से रस्सी को निकालना होगा। यहाँ ये दो वीर महिलाएं लगातार लड़ रही होती हैं। तब एक सैनिक प्रिंसेस पर बाण चलाता है पर वो तुरंत हटी जाती है और वो उसके तलवार को बाण जैसा फेंकती है जिससे उस बाण चलाने वाले सैनिक की गर्दन पर तलवार लगकर वो मर जाता है। अब वहाँ के सारे सैनिकों को मार चुके होते हैं और अब चर्च के बाहर आ चुके हैं। फिर लिन चर्च में खड़े सैनिकों के साथ तलवार से लड़ने लगती है और तब मोइरा अपने चाबुक के साथ प्रिंसेस को मारने के लिए बाहर आती है और शादी के लिए तैयार रहने वाला जूलियस पीछे मुड़कर देखता है कि वहाँ चल क्या रहा है। तब वो देखता है कि सारे लोगों के हाथों से रस्सी खोल दी गई है और एक काम वॉलेट ने किया है। ये देखकर वो गुस्से में आकर वॉलेट को पकड़ लेता है और उससे शादी करने के लिए वहाँ खड़ा हो जाता है। अब प्रिंसेस के घर वाले और उनके सभी सैनिक उठकर लड़ाई करने के लिए निकलते हैं और अब एक तरफ प्रिंसेस मोइरा से लड़ती है और दूसरी तरफ उसके घर वाले उन सैनिकों से हथियारों को छीनकर उनके साथ युद्ध करके प्रिंसेस का साथ देते हैं। प्रिंसेस को मोइरा के चाबू की टक्कर देने मुश्किल हो जाती है। यहाँ राजा दौड़ते हुए जूलियस के पास जाकर उसकी तलवार छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे उस तलवार से उसके पेट पर मार देता है और ये देखकर लिन बहुत ही गुस्से में आती है और वो जूलियस के साथ लड़ने लगती है। अब यहाँ प्रिंसेस सोचती है कि अगर इससे इसके चाबू को छीन लूँ तो मुझे इससे टक्कर देना आसान हो जाएगा क्योंकि इसके लिए चाबू की सब कुछ है। फिर वो उस चाबू को पकड़कर उसे एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करके लड़ने लगती है और फिर एक समय आने पर वो उस चाबू को मोइरा की गर्दन पर लपेटकर उसको फांसी लगाकर मार डालती है। इस चाबुक से मोइरा ने काफी लोगों को मारा होता है और अब खुद की मौत भी उसकी इस चाबुक से हो जाती है। अब लिन के साथ लड़ने के लिए और भी कई सैनिक आते हैं और उनसे लड़ते समय जूलियस पीछे से आकर उसके पेट पर तलवार मार देता है और ये देखकर प्रिंसेस बहुत ही गुस्से में उसके साथ लड़ाई करने लगती है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि 100 से ज्यादा सैनिकों से लड़कर उन्हें मारने से प्रिंसेस बहुत ही थक चुकी है और अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि उसके शरीर में काफी जगह पर चोट भी आ गई होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जूलियस का मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है और उससे लड़ते समय जूलियस एक छोटे चाकू को उसके पैर में घुसा देता है। तुम एक लड़के हो और तुम रसोई घर में खाना पकाने के बजाय इस तरह तलवार लेकर घूम रही हो तो तुम्हें अब मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। और ये कहकर वो उसको मारने जाता है। फिर वो उसकी गर्दन पकड़कर उसको बाहर लेके जाता है। तभी वो देखता है कि उसके सभी सैनिक वहाँ पर नहीं है बल्कि वहाँ सिर्फ प्रिंसेस के घर वाले और उनके सैनिक ही मौजूद रहते हैं और अब इसीलिए वो प्रिंसेस को मारे बगैर उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा ये देश आगे चलकर एक राजा के बिना रहेगा और इसका फायदा उठाकर कोई भी इस देश पर अपना कब्जा कर सकता है और तुम लोगों को अक्सर मौत का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग अगर मेरे जैसे एक बलशाली वीर को अपना लो तो तुम सभी लोग यहाँ पर सुरक्षित रह सकते हो, इससे तुमको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो क्या कहते हो सब, क्या तुम लोग मुझे अपना राजा बनाने के लिए तैयार हैं?
अब इस तरह बातें करते समय बीच में जब उसका ध्यान हटता है तभी प्रिंसेस उसकी तलवार छीन लेती है और बड़े फोर्स के साथ उसकी गर्दन को काट देती है और एक ही शॉट में उसका सर बिल्कुल लग। अब ये सीन को देखकर सभी लोग तय करते हैं कि प्रिंसेस को ही इस देश की रानी बना दिया जाएगा और इस देश पर एक पुरुष से ज्यादा बेहतर तरीके से वो राज कर सकती है। अब बेटियों को कमजोर समझने वाला राजा खुद आगे आकर पूरे अधिकार के साथ ये ऐलान करता है कि प्रिंसेस ही इस देश पर राज करने वाली है। अब ये देखकर वहाँ के सभी लोग बड़े खुश होते हैं और ये सोचकर कि देश पर राज करने के लिए एक बेहतरीन और बढ़िया शख्स मिल गया है। और उसी समय ये मोटो साहब धीरे धीरे नीचे उतर कर वहाँ जाते हैं, यानी इतनी देर से वो ऊपर से नीचे आ रहा था बताओ। और वहाँ आते ही सामने खड़ी प्रिंसेस को देखकर वो चिल्लाकर कहता है, राजकुमारी मिल गई, अब इसे क्या कहा जाए। फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।